इन दिनों कांग्रेस के पार्षदों ने नगर पालिका शिवपुरी को राजनीति का अखाड़ा बना दिया है। कांग्रेस के पार्षद पिछले दो दिनों से विभिन्न तरीकों से नगर पालिका सीएमओ शैलेश अवस्थी का विरोध कर रहे हैं। पिछले दो दिनों में कांग्रेस के पार्षदों ने सीएमओ बंगला सहित नगर के पार्कों में झाड़ू लगाकर विरोध किया है। यहां तक तो ठीक था, लेकिन आज कांग्रेस के पार्षदों ने बाजार के मुख्य मार्गों से बेस पर सीएमओ लिखकर बीन बजाते हुए रैली निकाली है। इस रैली को कांग्रेस के पार्षदों द्वारा नगर पालिका में समाप्त किया गया है। इन सभी पार्षदों का बारी बारी से कहना है कि हमारे वार्ड में सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से ही हो रही है। इसके अलावा इनका भी आरोप है कि अध्यक्ष और सीएमओ के बीच शहर के विकास कार्यों को लेकर खींचतान बनी हुई है। कहीं ना कहीं कांग्रेस के पार्षदों ने सीएम के विरोध को लेकर नगर पालिका को राजनीति का अखाड़ा बना दिया है। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। पार्षदों पे आरोप लगाना है कि फाइलें मतलब गलत तरीके से करवा रहे हैं। ये एक फाइल बता दें हमारी कि कौन सी हम गलत तरीके से करा रहे हैं। हम पूरे पार्षद इस्तीफा दे देंगे। सीएमओ साहब हमारे सामने आके तो बैठे। भेदभाव का जहाँ बोलने वालों को मेरी फाइल की मैं बता रहा हूँ। मेरी पीआईसी में भी फाइल नहीं रखी गई अभी तक। मेरे सीएम साहब ने जब से परिषद बैठी अभी तक एक फोन नहीं उठाया गया। एक बार मैं 5 राइडें करवा के विरोध चालू करवा दिया लोगों से कि भैया मेरे यहाँ लगवाई नहीं लगवाई। मैं तो कह रहा हूँ सीएम साहब का टाइम बैठने का देख लो आप पत्रकार कहना है सब मेरे साथ शहर में स्थानीय पालिका देख रहे सीएम साहब का टाइम कितने बजे होता है। 6 बजते हैं 7 बजते हैं नगर पालिका घर जाती है। नगर पालिका पार्षद घर जाते हैं उसके बाद सीएम साहब ऑफिस में चाय पीने आते हैं। क्या करेंगे आप देखो कि शहर में हमारी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।